अभी सनी भाई के प्रेजेंट पॉइंट पे हैं, जिसमें ये लोग अभी रहते हैं, तो ये देख लो कैसा है, फिर जो नया वाले पे जाएंगे वो दिखाते हैं कि कैसा है। ये रेलवे का कम्युनिटी हॉल और ये ग्राउंड हम लोग का, ये हम लोग का है रेलवे क्वार्टर, देखो कितना शानदार है। वहाँ पे कबूतर का अंडा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, और अभी मैं और हमारे सनी भाई जा रहे हैं रेलवे क्वार्टर देखने, एक मेरे लिए और एक भाभी के लिए, मतलब सनी भाई की मेरी भाभी, इनकी करम परम धर्म जो पत्नी होती है वो। तो अभी प्लेटफॉर्म चढ़ रहे हैं ये वाला, और एक देखो ट्रक वाला जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें यही था, जो ऐसे रोल होके गया था तो ट्रक का पूरा कचूमर निकाल दिया था। तो हाँ भाई, जो ट्रेन होता है ना, सोच लो कितना कितना टन का होता है, 5000 टन, और एक टन मतलब एक टन में 1000 किलो होता है। इसी की वजह से वो था, देखो एक जैसे वो लुढ़का हुआ है तो उस टाइप का। और ये हम लोगों का अभी स्टेशन है, और जो ये क्वार्टर है, तो अभी सन्नी भाई का जो क्वार्टर प्रेजेंट में जो रह रहे हैं दो लोग, तो उसमें जाएंगे, फिर वहां से जाएंगे, बड़ा सा बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे दोस्त लोग, मित्र लोग, बहुत लोग हैं, तो वहां पे जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अभी सन्नी भाई के क्वार्टर पे, फिर वहां से चाबी उठाएंगे, मेंटेनेंस के लिए दिए हुए हैं हम लोग बोल के, तो वो देखेंगे हुआ है कि नहीं हुआ है। थक गया यार सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, तो चलो चलते हैं। ये रेलवे का कम्युनिटी हॉल और ये ग्राउंड हम लोगों का, और ये वाला है जो रेलवे इंस्टीट्यूट है साउथ सेंट्रल रेलवे का। अच्छा, स्टाफ के लिए शादी वादी जिसका भी हो यहाँ पे वो स्टाफ लोग करवा सकते हैं। और इधर है हम लोगों का क्वार्टर अभी, जिसमें सनी भाई रहते हैं, और जो देखने जा रहे हैं वो और उधर है। चलो जल्दी से पहुँचते हैं, पहले इनके क्वार्टर पे चार क्वार्टर्स है रेलवे वालों के लिए। और बंदर वंदर देखो घूमते रहते हैं इस पे। ये लोगों के लिए भी फ्री सेवा। अभी चड्डीगंजी में ले लिया। अरे ठीक बात है, चड्डीगंजी केकरा नहीं पता कि चड्डीगंजी तू पहना ला। अरे गजब वीडियो में। हां देखो अभी सनी भाई के प्रेजेंट क्वार्टर पे हैं, जिसमें ये लोग अभी रहते हैं, तो ये देख लो कैसा है, फिर जो नया वाले पे जाएंगे वो दिखाते हैं कि कैसा है। तो ये है अपना किचन एरिया, और इन लोगों का बहुत साफ रहता है, हम लोगों से तो लाख करोड़ करोड़ गुना साफ रहता है। ये एक रूम है, ये अंकित का है, और ये हमारे शादीशुदा आदमी सन्नी भाई, और ये बैग देख के समझ में आ जाता है शादीशुदा आदमी। और इधर बाथरूम वाथरूम, और एक ये वाला सबसे मुझे जो इस क्वार्टर में जो सबसे पसंद है वो ये है। ये पूरा एरिया और पूरा मिला हुआ है, और उधर से थोड़ा चोरी वोरी का डर रहता है, इसलिए यहाँ पे गेट लगा रहता है। तो रेलवे क्वार्टर में बस एक चीज का दिक्कत है, ये वाला जो एरिया है वो अनसेफ है, तो इधर कुछ रख नहीं सकते हैं। और ऊपर भी है ऐसे, मतलब वो दूसरे लोगों का है, और ये वाला इन लोगों का है। और अभी ये ऐसा है, और चलते हैं अभी नए वाले क्वार्टर पे, उसमें बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। देखो ये साले बंदर लोग हैं इस पे, दिख रहा है। हाँ, और आम भी है, तो अपना आराम से आम हम सब खा सकते हैं। कहाँ है देखो, ये सब आम गिरा है, आम का पत्ता बहुत सारा। तो चलिए अब नया वाला क्वार्टर पे चला जाए। अब तो ये हम लोगों का है रेलवे क्वार्टर, देखो कितना शानदार है। चार ब्लॉक है, देखो ऐसे ब्लॉक करके लिखा हुआ है, RBI 27, वो 28, वो 29 और वो 30, चार ब्लॉक करके है यहाँ पे। तो यहाँ पे चार ब्लॉक करके है, और एक ब्लॉक में अभी हम लोगों का एंट्री हो रहा है। सनी भाई बेटरमेंट के लिए दिए हुए, बेटरमेंट मतलब नहीं, वो ठीक करने के लिए दिए हुए हैं जो नया नया आते हैं, तो सब चीज़ टॉयलेट बाथरूम टाइल्स वाइल्स लगाने के लिए। तो देखते हैं हम लोगों का काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। और मैंने अभी बेटरमेंट के लिए नहीं दिया, मैंने डिसाइड भी नहीं किया कि मेरा, हाँ देख चुका हूँ कौन सा है, एक खाली क्वार्टर है। तो आओ देखते हैं बेटरमेंट का काम किया नहीं किया, क्या हुआ। ये हॉल है, अभी पूरा गंदा है, क्या है वो काम।
और ये किचन विचन है नहीं, क्या है कुछ नहीं सब, अभी तक हम लोगों का काम नहीं हुआ, अंधेरा है यार। कैसे खुलता है वो? कुंडी बंद खुला है। अच्छा बाहर खुलता है, इधर से ये दिखता है झाड़ी वाड़ी, और इधर ये वहाँ पे कबूतर का अंडा है जिसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये है ड्रॉवर कपड़ा उपड़ा रखने के लिए। चलो जो भी था बड़ा रंगीन मिजाज का आदमी था, मूवी वूवी लव आजकल। ये क्या है, ये कौन है भाई, ये सब पूरा अभी तक कुछ काम किया नहीं है। हम लोग बोल के गए थे, कॉल भी कर दिए थे कि भाई सब कर दीजिएगा, ये सब अच्छा करना है। मतलब कुछ कुछ टूटा हुआ है, जैसे इधर भी है देखो, ये बाथरूम टूटा हुआ है, इधर भी थोड़ा टाइल्स वाइल्स लगाना है, अभी लगेगा। और किचन एरिया में भी ये सब जो ये बदलना है, स्लैब बदलना है, वो साफ करना है, इधर टाइल्स लगाना है, तो वो सब अभी नहीं किया है। और इसमें टोटल पता नहीं कितना क्वार्टर है, तो ऊपर भी है यहाँ से, नीचे भी है, और हम लोग अभी सेकंड फ्लोर पे हैं। और ये बाहर से एक ये पहले देखो पवन, अरे पवन भैया इसी में रहते थे जिनका हम सीयूजी लिए हुए हैं, सीनियर लोको पायलट, सीनियर शायद मतलब सीनियर एएलपी। तो पवन भैया जो हैं इनका ही सीयूजी मैं यूज करता हूँ, सीयूजी नंबर जो कि मिलता है रेलवे की तरफ से, वो वाला नंबर। तो कभी कभी कॉल आता है, पवन भैया हैं क्या, हम बोलते हैं नहीं, राजीव भैया बोल रहे हैं। एसएससी के पास चला जाए, कितना बजे उसका ऑफिस खुलता है? 9:30। चलिए 9:30 तो बज ही गया। चलिए नहीं पेन तो नहीं लिए, का है? तो ये जो बेटरमेंट का काम होता है, जो अच्छा करने वाला, वो लोग क्या बोलते हैं, एसएससी साफ करते हैं। तो वो काम किए नहीं, तो अभी उनके ऑफिस में जाएंगे, थोड़ा झगड़ा लड़ाई करेंगे, सुना गएंगे कि क्यों नहीं किया आखिर क्यों। तो देखते हैं, दूसरा क्वार्टर नहीं ना ठीक करके चला गया उधर जो एक है, कन्फर्म ना? नहीं मेरा वाला वो जो देख के गए थे वो ठीक करके चला गया। अरे हम भी देख के आए थे ना वाला, तो वो वाला ठीक करके चला गया हो, ये भी तो हो सकता है, देख लीजिए जाकर फिर। चलिए पहले एसएससी के पास चला जाए। तो ये है हम लोगों का वरिष्ठ सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य पूरा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वार्टर का काम होता है, जब भी क्वार्टर का काम होता है यहीं पे होता है। तो हम बैठ रहे हैं बाहर, हम यहीं पे बैठेंगे, सनी भाई जाएंगे अपना जो भी करना होगा बात उत करके आते हैं। चलो हम भी चलते हैं, लेकिन अंदर मोबाइल लेकर नहीं जाना है, तो मोबाइल बंद करते हैं, बात उत करके आते हैं। तो जा मोह माया बाटल जाओ जा। तो देखो अभी रहता हूँ मैं इस वाले बिल्डिंग में अभी, और प्लान हो रहा है कि क्वार्टर वाटर में शिफ्ट हुआ जाए। तो अभी इसमें रहते हैं, चलो ठीक है। देख चुके हो क्वार्टर में मेरा शिफ्ट होने का प्लान, हो सकता है मई जून से होगा, सनी भाई का जल्दी ही है।
चलो चलिए ठीक है, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे इंड। बहुत थक चुके, खाना पीना भी बनाना है, हो सकता है पीआर मिल जाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा, सब बात खैर, अपना सब लोग ख्याल रखो, और जो हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो।